हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ संगीता, संगीता कुक चैनल में आप लोग बहुत बहुत स्वागत। आइए हम ऐसे सुंदर सा क्रिस्पी नमकीन बनाएंगे, और उसके लिए हम पहले एक पैन में आधा कप करीब 100 ग्राम मूंग दाल हम लेंगे और उसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हम उसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे और अभी हमारा फ्राई हो चुके, हम साइड में रख देंगे ठंडे होने के लिए। हमारा मूंग अभी ठंडा हो गई, आइए हम उसको पाउडर बना लेंगे। हम उसको पाउडर बना लिया, अभी हम उसे छान लेंगे। देखिए हमारा ऊपर का जो दाने दाने, हम उसको निकाल लेंगे। अभी मैंने जितना मूंग ली, चावल दो भाग लेने का चावल पाउडर मैंने ली, मूंग एक भाग, चावल पाउडर दो भाग, ऐसे हम मिला लेंगे दोनों को। अभी हम थोड़ा ऑयल उसमें 2-3 स्पून हम डाल लेंगे और अच्छा से मिला लेंगे। दोनों हाथ से अच्छा से मिलाएंगे दोनों पाउडर को, जैसे हमारा पाउडर से ऑयल मिल जाए, हमें इसे मिला लेंगे। अच्छा से मिला ली, अभी हम ये वाइट तिल डाल देंगे, थोड़ी जीरा, थोड़ी नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी अजवाइन, हम सब मिला के एक साथ में सब डाल देंगे और अच्छा से मिला लेंगे, क्योंकि ना हमारा जो नमकीन स्वाद भर जाए, इसलिए हमको वो मसाला सब भी डाल देंगे और गर्म पानी से थोड़ी थोड़ी हम डालकर इसको एक डो बना लेंगे। एक ही साथ मत डालिए पानी, जब डाले थोड़ी थोड़ी करके डालें, जैसे हमारा रोटी जैसे हम एक अच्छा से डो बना लेंगे। मैं कोई मशीन यूज नहीं करूँगी, मैं हाथ से बनाऊँगी। आइए आप हमें डिजाइन बना लेंगे, और देखिए हम इसमें ऑयल लगाकर छोटी छोटी रोया बनाकर ऐसे अंगूठा में प्रेस करते हुए हम डिजाइन बना लेंगे। और ये डिजाइन कितना सुंदर बनता है मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना आसान से भी बन जाता है। इसे बनाने के कोई तकलीफ नहीं होता है, तो फटाफट भी बनकर रेडी हो जाएगा। अभी हम घुमाकर और एक डिजाइन बता रही हूँ, इसे लंबाई में हमको इसे बनाकर प्रेस करते हुए फिर घुमा लेंगे, घुमा घुमा कर एक डिजाइन हम डाल लेंगे। देखिए वो कितना सुंदर लग रहा है। और एक मैं बता रही हूँ, देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनकर रेडी हो जाता है। आइए हम ऐसे से बना लेंगे, देखिए मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर डिजाइन हमारा बनकर रेडी हो गया। आइए हमारा नमकीन सब बनकर रेडी हो गई, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, हम उसे तल लेंगे। जब भी हमें नमकीन तल है, तभी हम थोड़ा धीमी आंच पे हम इसको तल लेंगे, और थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए धीमी आंच में हम इसको तल लेंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और क्रिस्पी बन चुके। अभी ऑयल से बबल आने बंद हो गए, हमको मालूम पड़ गया जाएगा कि हमारा नमकीन बनकर रेडी हो गए। आइए हम दूसरा तैयार कर लेंगे। और एक शेप डालने के लिए मैं एक प्लास्टिक ले रही हूँ,
उसको थोड़ा से फोल्ड करते हुए हम कॉर्नर में काट लेंगे। अभी जो डो हम उसमें डाल देंगे, देखिए ऐसे डालकर हम हाथ से घुमाकर प्लास्टिक को ऐसे थोड़ी थोड़ी लंबाई में हम शेप डालेंगे। देखिए कितना सुंदर से हमारा जो लंबाई का शेप बन जाता है, हम ऐसे सब बना लेंगे। आइए उसे भी हम तल लेंगे। हमें ऐसे घर पर भी बनाकर नमकीन बच्चे लोग के लिए तैयार कर सके। अभी हमारा नमकीन रेडी हो गए, हम निकल लेंगे। देखिए कितना सुंदर शेप में मैंने बना ली। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।